गाइस और वेलकम टू इंटू मेडिसिन। तो अभी हम यूनिट 3 कर रहे हैं और यूनिट 3 में हम डिस्कस कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का जो व्यू था एजुकेशन के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि जो टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उस पर क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली आता है और मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी पे भी, एमके गांधी पे क्वेश्चन आता है। तो जिस तरीके से आपको पता था पता है कि गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था और इनके जो फादर और ग्रैंड फादर, इनके पिताजी और इनके दादाजी दोनों लोग चीफ मिनिस्टर्स थे काठीवार के, ठीक है, गुजरात का एक जगह है। ये अपना स्कूल पूरा करने के बाद भारत में स्कूलिंग अपनी करते हैं और फिर लंदन चले जाते हैं लॉ पढ़ने के लिए। जब वो आते हैं भारत में वापस तो ये मुंबई और राजकोट में अपनी प्रैक्टिस करते हैं लॉ की, मतलब लॉयर बन जाते हैं। पर यहाँ पे कुछ खास सक्सेस नहीं मिलता और उनको साउथ अफ्रीका से काफ़ी अच्छा ऑफर मिलता है तो वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। एंड वो अपने साथ अपने दोनों बेटों को और एक नेफ्यू को, अपने भतीजे को लेके जाते हैं, भतीजा या भांजा। उनके लिए वो स्कूल ढूंढने लगते हैं साउथ अफ्रीका में। उनको वो ये नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को जो यूरोपियन बच्चों के लिए जो स्कूल होती है, चाहे इंग्लिश मीडियम में जहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ पे भेजे, बिकॉज उनको लगता है कि शायद वो उतना सही नहीं है। और उस टाइम पे ये टॉलस्टॉय फार्म भी चला रहे होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे थिंकर के बारे में। बट वहाँ पे कोई क्वालिफाइड टीचर नहीं आ पाते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स अगर किसी टीचर को आपको कहीं रखना पड़ेगा तो फिर उनको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये खुद पढ़ाना शुरू कर देते हैं और इनका मेन जो फोकस होता है कि बच्चों का जो कैरेक्टर बिल्डिंग हो और सेल्फ डिपेंडेंसी रहे उनके ऊपर। अभी इस दो शब्दों का मतलब क्या है, कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर शब्द बहुत अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। कैरेक्टर मतलब आप किस प्रकार का आपका सोच है, विचार है, आप किस तरीके से बिहेव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैरेक्टर के अंदर आ जाती हैं। और सेल्फ डिपेंडेंसी, जनरली आप देखेंगे कि स्कूल आप जब जाते हैं मॉडर्न स्कूल्स में तो वहाँ पे क्या होता है कि सफाई करने के लिए एक सफाई कर्मचारी होता है, अगर कैंटीन है तो कैंटीन में लोग काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, टीचर है पढ़ाने के लिए, सब कुछ है और आपको कुछ नहीं करना, घर पर भी आ रहे हैं आप कुछ नहीं काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो रिस्पेक्ट है ना लेबर के प्रति, काम के प्रति, आपने देखा होगा कि भारत में ये सोच भी बहुत ज़्यादा है कि ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं है, ये मतलब इस टाइप का विचारधारा। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं, एग्जाम्पल एक जापान का ले सकते हैं, जहाँ पे अपने क्लासरूम की सफाई से लेके अपना लंच रखना, उसके लंच के बर्तन को कलेक्ट करके लेके जाना, ये सब मतलब बच्चों से ही करवाया जाता है। गार्डन साफ करना छोटे बच्चे से भी, मतलब एकदम छोटों से नहीं, लेकिन हाँ जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्लास के बच्चे होते हैं। इसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि कोई अगर सफाई का काम कर रहा है तो हम सोचेंगे कि वो कितना ख़राब काम कर रहा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमारी जो काम करने वालों के प्रति और काम के प्रति इज्जत नहीं है, जो काम बहुत बेसिक काम है, ठीक है, सफाई करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इनका, गांधी जी का यहीं से विचारधारा था या इन्हीं इसी पे वो फोकस करना चाहते थे कि बच्चे जो कुकिंग से लेके सफाई और भी जितने अन्य काम हैं उसके प्रति वो खुद काम करें और उसके प्रति इज्जत भी हो। ऑफ कोर्स एक टीचर वहाँ पे होगा जो उनको गाइड करेगा सारे काम करने के दौरान, लेकिन बच्चे काम करना सीखे खुद से। उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग के साथ एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग मतलब गेम खेल रहे हैं, बॉडी को फिट रख रहे हैं, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग आध्यात्मिक तौर पे बच्चों को वो करना, कोई धर्म से संबंधित नहीं, एक विचारधारा अपने अंदर डेवलपमेंट आना एक होता है, ठीक है। जब ये 1914 में भारत वापस आते हैं तो आज जैसा कि आपको पता है कि इनका बहुत बड़ा फ्रीडम स्ट्रगल में रोल होता है जो कि आप जानते हैं, और कहीं ना कहीं एजुकेशनल जो पूरा बैकग्राउंड है नॉल है उसमें भी इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये बिलीव करते थे कि जो कॉलोनियल रूल है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हम भारत के ट्रेडिशनल और जो ट्रेडिशंस हैं, जो हम लोगों का वैल्यूज़ हैं, जो भारत की संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। इवन एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स का था, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, वो इंडियन लोगों को एक छोटे मोटे गवर्नमेंट जॉब के लिए बस तैयार कर रहा था, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। और जो लोग इस टाइप की एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षा ले रहे थे उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो जो उनके घर के काम है, चाहे वो काम जो सदियों से चले आता है या उनका पर्टिकुलर कास्ट कर रहा है, लोग कर रहे हैं उनके आसपास, वो छोड़ के छोटी मोटी जो ब्रिटिशर्स के अंदर जॉब थी, जैसे कि
उनका क्लर्क वगैरह बनना, उसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट था। और एक ट्रेंड चलने लगा था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन लेने के बाद जो हमारे देश के नॉर्मल जॉब्स हुआ करते थे, कि मान लो कि लकड़ी काटने वाला हो गया, लोहार हो गया, ईंट बनाने वाला हो गया, इस टाइप के जूते के बनाने वाले, जूते सिलने वाले, इस टाइप के काम को लोग एकदम निचली नज़र से देखने लगे थे। एंड वही कलर का जॉब उनके लिए सही था, जो कि ऑलमोस्ट कोई बहुत बड़ी जॉब तो थी नहीं। तो इस टाइप का माइंडसेट वेस्टर्न एजुकेशन लोगों के अंदर डेवलप कराया था, जो कि मैंने अभी स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया। तो जो गांधी जी का ऑल्टरनेटिव तरीका था बच्चों को पढ़ाने का, तो ये था कि बच्चे जो हैं उनको स्टार्ट से ही जो यूजफुल ऑक्यूपेशन होते, स्किल डेवलपमेंट, जैसे कि मान लीजिए उनको कारपेंटरी, लकड़ी का काम, खेती का काम, स्पिनिंग, ये सब सिखाई जाएगी। मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने कल्चर को नहीं समझेंगे, दूसरे के कल्चर को समझ पाना मुश्किल है। आप भारत में, मान लीजिए आप भारत के किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, और उस गांव में आपके घर के लोगों का काम जो है, आपके घर का लोग ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, ठीक है। तो आप उसको देख के पढ़े, मतलब बड़े हुए हो, सब कुछ हुआ है, उसी में आप पल रहे हो, और सडनली आपको एकदम वेस्टर्न मशीन्स के बारे में बताया जा रहा है। नहीं, यहाँ पे गांधी जी का एम्फोसिस था कि क्यों ना हम इस प्रकार की शिक्षा दें जहाँ पे मान लीजिए कि आपको एग्रीकल्चर के लिए ट्रेन किया जाए, एग्रीकल्चर की हिस्ट्री भी समझाई जाए, एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद एग्रीकल्चर के फायदे कैसे हैं, बेटर तरीके से आप सामान, मतलब खेती किस तरीके से कर सकते हो, इस टाइप का, जिससे कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, प्लस उसका अपने काम के प्रति इज्जत भी हो, और अपने घर वालों के प्रति भी, अपने देश के प्रति भी इज्जत हो। केवल वेस्टर्न एजुकेशन सीख के वो एक तरीके से अपने बुद्धि में बस कुछ काम अच्छे हैं, कुछ बड़े हैं, इस टाइप के आइडियाज को ना लेके आए। गांधी जी ने जो प्रपोज किया उसे नई तालीम कहा गया, ठीक है। नई तालीम से आप समझ, नई तरीके का एजुकेशन, तालीम उर्दू शब्द है जितनी जितना मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट स्कूल के करिकुलम में डालने की बात की गई, इससे क्या होगा कि डिग्निटी और ऑनर आएगा बच्चों में, ठीक है। अब देखिए, अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को अगर हम देखें, या सोशियोलॉजिकल ऑफ स्कूल नॉलेज इन इंडिया अगर हम नोटिस करें देखें, तो जैसे ये हैंडीक्राफ्ट का काम है ना, उसको लोवेस्ट ग्रुप या ऐसे हायरार्की कास्ट में देखा जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब, जैसे जैसे लकड़ी से जो, या आपको पता होगा टोकरी बनाने वाले एक कास्ट होता है, चाहे कोई भी इस तरीके का जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम है, वो यूजुअली छोटे कास्ट के लोग करते थे। यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट सबको सिखाना है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। यहाँ से ही एक कास्ट सिस्टम का जो आइडिया है उसको खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो दो वर्णास हैं, एक का काम, जिसका काम रूल करना था, मतलब एज अ राजा वो लोग रूल किया करते थे या जमींदार हुआ करते थे, और जो ब्राह्मण जो कि पंडित पढ़ाने लिखाने, पूजा पाठ का काम किया करते थे, और बाकी काम वैश्य और शूद्रास किया करते थे, जिसमें इस टाइप के काम हुआ करते थे, जैसे कि स्पिनिंग हो गया, लेदर का काम करना, पोटरी बनाना, मेटल का सामान बनाना, बास्केट बनाना, बुक को बाइंड करना, इस टाइप की जो चीज़ें थी वो लोवेस्ट जो लोग थे कास्ट सिस्टम में वो किया करते थे। ये एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना या इसकी बात करना बहुत ही एक तरीके से क्रांतिकारी था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। और इस टाइप का एजुकेशन जो था, मतलब मान लीजिए शिक्षा के साथ आपको एक स्किल सिखाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप जब वहां से पढ़ के निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। आजकल के एजुकेशन सिस्टम में दिक्कत क्या है, हम लोग BA MA और पता नहीं क्या क्या कर लेते, क्या हमें स्किल्स आते हैं? आप खुद सोचिए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं अपने हाथों से पढ़ने के अलावा। तो ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और एक और चीज गांधी जी पॉइंट आउट करते हैं कि स्कूल जो हो ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो, कि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, और जो स्कूल है वो भी रिसोर्सेज जनरेट कर सके। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है एक्चुअली, और मैं भी बहुत इससे खुद को कनेक्ट करके देख पाती हूँ। स्कूल्स ऐसे हों जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाए, उनको एक स्किल सिखाया जाए। मान लीजिए कि एक स्कूल है जहाँ पे कैंडल मेकिंग, जैसे मोमबत्तियाँ कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाए, ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है वैसे। और मान लीजिए जो बच्चे मोमबत्तियाँ बना रहे हैं, चाहे जो भी काम कर रहे हैं, उनको मार्केट में सेल कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा इस टाइप का आइडिया था गांधी जी का, बट मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। तो देखिए, जो उससे पैसा आएगा उससे वो स्कूल चलेगा, और बाकी टीचर्स वगैरह भी कई स्किल्स वाले
वाले वो भी बनाएंगे, वो उससे भी पैसा आएगा, तो जैसे सैलरी वगैरह निकल जाएगी। और स्कूल जो होगा वो सेल्फ सफिशिएंट होगा, उससे किसी ग्रांट की और किसी की ज़रूरत नहीं होगी, खुद को ही चला पाएगा कमाई से। तो इस टाइप का थोड़ा उनका आइडिया था। ठीक है, उसके बाद जो टीचर है ना, वो जो है वो केवल बस पढ़ के जो करिकुलम है दे दिया गया, वो बच्चों को याद कराता रहे, रटाता रहे, और इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और ये भी फोकस करते हैं कि देखिए जो भी हमारे कंट्री के जो मैनुअल लेबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाए, जो कि मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस किया था। ये भी फेवर करते हैं कि जो बच्चों का एजुकेशन हो वो इंग्लिश मीडियम की जगह जो भी भाषा वो बोलते हैं उसमें दिया जाए। इससे क्या होगा कि कुछ कुछ साल जो पढ़ाई के ज़्यादा लग रहे हैं ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई स्कूल एजुकेशन चिल्ड्रन जो है वो फास्ट 7 सालों में ही पूरा कर लेंगे, 11 साल 11 साल की जगह। तो ये भी फोकस इनका था कि हम जो अपनी मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें पढ़ाई कराएं। उसके बाद जो गांधी जी थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन में भी रहे थे। शांति निकेतन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे होगा, या टैगोर जी का वीडियो ऑलरेडी होगा, आप देखिएगा, उन पे भी क्वेश्चन आता है। एंड उनका इंटरेक्शन होता है, वो दोनों थिंकर्स जो होते हैं वो फ्यूचर में एजुकेशन को किस तरीके से करेंगे उसके बारे में काफ़ी विचारधारा अपनी मतलब बताते हैं। और वो एक स्कीम बताते हैं कि क्या करेंगे कि हम एडल्ट एजुकेशन ऑफ होल कम्युनिटी इंक्लूडिंग पेरेंट्स एंड न्यू बॉर्न बेबीज। मैं पता नहीं क्यों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। प्रॉब्लम क्या है हमारी कंट्री में ना, कि बहुत सारा सेक्शन जो है पढ़ा लिखा है, कुछ सेक्शन तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, हम लोगों के पेरेंट्स का जनरेशन और ऐसा जनरेशन, तो किस तरीके से बच्चों को पालना है, पोसना है, इसकी भी आइडिया नहीं होती है। और कई बार पालन पोषण सही ना होने के कारण जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो भी सही से नहीं हो पाता, मेंटली फिजिकली बहुत सारे लेवल पे। तो एक्चुअली एडल्ट एजुकेशन कम्युनिटी का, या इवन इस टाइप पेरेंट्स को भी और न्यू बॉर्न बेबीज को, हर किसी को इस टाइप का एजुकेशन, और स्पेशली पेरेंट्स को सिखाना कि बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके करना है, उनको एजुकेशन किस तरीके से देना है। देखिए सोशलाइजेशन, अगर आप सोशोलॉजी के स्टूडेंट तो आप अच्छे से जानते होंगे, सोशलाइजेशन जो फर्स्ट होता है, प्राइमरी होता है, वो फैमिली में होता है। बट फैमिली ही अगर अच्छे से वेल बिहेव नहीं है, उसको वो एजुकेटेड नहीं है, उसको पता ही नहीं कि बच्चे को ट्रीट किस तरीके से करना है, तो सिचुएशन हाथ में नहीं रहती है। ठीक है, उसके बाद जो प्री या बेसिक स्कूलिंग हो 2 से 7 साल तक हो, गांधी जी का आइडिया था। बेसिक स्कूलिंग जो हो वो 7 से 14 साल तक हो, और पोस्ट बेसिक जो एजुकेशन हो 14 से 18 साल तक हो। यूनिवर्सिटी और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हो, एंड जो कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे पहले मॉर्निंग प्रेयर हो, सुबह प्रार्थना हो, उसके बाद बच्चों का काम हो कि सारे कैंपस को, पूरे स्कूल को या कॉलेज को साफ करें, लेबोरेटरीज को साफ करें, उसके बाद कोई प्रोडक्टिव काम करें, जैसे कि कपड़ा बुनने का, कल्टीवेशन, कुछ भी कोई प्रोडक्टिव, कोई अच्छा काम, हाथ का स्किल वाला काम करें। उसके बाद खाना बनाने में एक दूसरे की मदद करें, फिर पढ़ने जाएं। एंड उसके बाद सिर्फ कुछ सब्जेक्ट नहीं, साइंटिफिक, मैथमेटिक, हर टाइप के सब्जेक्ट पढ़े, और आइडिया उनको सिखाया जाए, थिंक बिफोर डूइंग एंड थिंक आफ्टर डूइंग, करने से पहले सोचिए और करने के बाद भी सोचिए कि वो कितना कुछ सही था, कि बच्चे सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए, समझ पाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। म्यूजिक और आर्ट उनको सिखाया जाए। ठीक है, उसके बाद वो बोलते थे कि टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में जाके वो खुद का नॉलेज वो कर सके। नई तालीम कई जगह सेटअप हुआ, कई जगह बहुत फेमस नहीं हो पाया एक्चुअली ये सेट होने में, अगर होता तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन होता, मैं मानती हूँ। एंड पॉलिटिकल जो एलिट्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन लोगों ने उतना सपोर्ट भी नहीं किया इस आइडिया को। एंड इनका लेकिन आइडिया जो है वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है, इंटेलेक्चुअल्स एंड ह्यूमैनिस्ट्स को, जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और इस टाइप के लोगों को। एंड इनकी ये मेजर बुक्स थी, ऑटोबायोग्राफी है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और फिर बेसिक एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर लाइफ। तो ये मेजर बुक्स हैं इनकी, और बाकी थिंकर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।